आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसलिए मत कीजिएगा कि आप भले ही देख रहे हैं पीछे फ्रेम है भाई कि स्कॉर्पियो है, वो भी न्यू शेप, और उसमें भी कौन सा है भाई, स्कॉर्पियो S11। अगर यहाँ पे बात करें ये भी स्कॉर्पियो S11 है, इसका लेंगे 1,94,000। अच्छा 2,000 और कम, 1,94,000 सब कुछ करके भैया एकदम नाम ट्रांसफर करके देंगे। नाम 16 का BRV का मात्र लेंगे 3,70,000। 16 मॉडल जी, इससे बढ़िया रेट आपको पूरे रांची क्या बिहार में भी नहीं मिलेगा। नवीन भैया हाँ, कितने में सपना पूरा होगा? सफारी स्ट्रॉम के बहुत दीवाने हैं। 4,35,000 में दे देंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं रोमिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ छोटी छोटी गाड़ियाँ, बिल्कुल भी नहीं भाई। आज जो वीडियो में गाड़ी दिखाई जाएगी वो आपको दिखाई जाएगी बड़ी गाड़ियाँ। बड़ी गाड़ियाँ मतलब आप देख रहे होंगे पीछे मेरे फ्रेम में, जस्ट मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि स्कॉर्पियो की वाइट, ब्लैक, देन वाइट, और वहाँ पे XUV500 जैसी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, इसलिए मत कीजिएगा कि आप भले ही देख रहे हैं पीछे फ्रेम है भाई कि स्कॉर्पियो है, वो भी न्यू शेप, और उसमें भी कौन सा है भाई, स्कॉर्पियो S11। अगर यहाँ पे बात करें ये भी स्कॉर्पियो S11 है। तो ये सब गाड़ियाँ भले ही आज मैं दिखाऊंगा, स्कॉर्पियो बोलेरो सब कुछ मैं दिखाऊंगा, लेकिन पता है स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी? मान के चलिए ना, तो 2,00,000 के अंदर अंदर आपको आज बोलेरो मैं दिखाऊंगा, और इस बात की गारंटी है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। थंबनेल पे कुछ गलत नहीं लिखा हुआ है, 2,00,000 के अंदर बोलेरो आज आपको मिलेगी ही मिलेगी। वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर से देखिएगा। आप हम लोग बात करते हैं डीलरशिप की, तो डीलरशिप है भाई कोकर चौक रांची में मैं खड़ा हूँ, रांची में ट्रू वैल्यू की आज वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, और मिलवाना चाहूँगा मैं यहाँ से नवीन भैया से, और फिर उनसे लेंगे एक एक करके सारी गाड़ी की डिटेल। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें। आज की कमाल की वीडियो क्यों है भाई, मैंने आपको शुरू में बता दिया है, उसको शुरू करेंगे। उससे पहले एक शख्स है जिनका स्वागत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नवीन भैया फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज क्या स्टॉक है भैया? देखिए भैया, हमने हैचबैक दिखा दिया, सेडान दिखा दिया, आज का स्टॉक बड़ा गाड़ी का रहेगा। बड़ा गाड़ी का रहेगा जिसमें सारा 7-सीटर होगा। सारा 7-सीटर होगा भाई, 5-सीटर आज दिखाएंगे नहीं हम लोग, कॉम्पैक्ट SUV दिखाएंगे नहीं, जो भी दिखाएंगे SUV दिखाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और भाई हर एक ब्रांड से दिखा देंगे, महिंद्रा दिखा देंगे, और उभर भाई टाटा की भी गाड़ी दिखा देंगे। क्यों भैया? तो होंडा का भी देखेंगे। हाँ जी, होंडा का भी दिखाएंगे। तो भैया उस क्रम में पहली गाड़ी कौन सी है? पहले हम लोग XUV से ही स्टार्ट करते हैं। XUV से जी, चलिए डिटेल हमें थोड़ा सा बताइएगा। गाड़ी 2016 का मॉडल है। हाँ जी, रनिंग है इसका 1,32,000। 1,32,000 भैया, थोड़ा सा वो लाइन जरूर से जुड़ी है, क्योंकि आप भी जानते हैं बाहर में लोग बेचते हैं 30,000-40,000 चली हुई। हम वो सब करते नहीं भैया, ओरिजिनल चीज़ बेचते हैं, आपको पसंद लगेगा तभी आप लेंगे। बिल्कुल है ना, और सही चीज़ बतलाना बहुत अच्छा होता है, अच्छा रहता है। बिल्कुल, तो 1,32,000 चला हुआ, 1,32,000 ओरिजिनल चला हुआ है। W10 मॉडल है, सबसे टॉप जी, सबसे टॉप इन मॉडल है। इसमें सनरूफ भी आपका आ जाएगा, देख सकते हैं बिल्कुल। और गाड़ी भी अनटच है भैया, गाड़ी में कोई टचअप नहीं है, ये अनटच कंडीशन, ये अनटच गाड़ी है। आज का वीडियो में अधिकतर गाड़ी मैं दिखाऊंगा जो अनटच रहेगा, जो अनटच कंडीशन में रहेगा। आप इंटीरियर भी देख सकते हैं, काफी खूबसूरत इंटीरियर है। हाँ जी है ना, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। जब टॉप इन मॉडल है तो पुश बटन स्टार्ट भी आएगा आपका, आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे। तो सब कुछ भैया बताते चल रहे हैं आपको, तो भाई देख सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि नवीन भैया की वीडियो भाई इतनी ज्यादा फेसबुक पे और यूट्यूब पे धमाल क्यों मचा दी, क्योंकि मिलता आपको ओरिजिनल चीज। तो भैया 2016 की W10 XUV500 है, कितने रुपए देने होंगे भाइयों को? इसको हम लास्ट लेंगे 9,70,000। 9,70,000 तो 9,00,000 में नाम ट्रांसफर करवा के देंगे, इंश्योरेंस फेल रहा तो इंश्योरेंस भी करा के देंगे। बहुत बढ़िया, तो ये दोनों चीज़ करा के देंगे। से रहेंगे तो फाइनेंस भी इजली करवा देंगे। इस पे कितना 70% आपका लोन भी करवा देंगे। बहुत बढ़िया, 30% आपको डाउन पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो सब कुछ भैया ने बता दिया है। तो रेट भैया आपको बता रहे हैं भाई 2016 की XUV500 की, अगर खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके बात कर लीजिएगा। फ्रंट प्रोफाइल में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि आप भी जान रहे हो कंजस्टेड है भाई। तो भैया हमने XUV500 दिखा दिया है, अगली गाड़ी कौन सी है? अगली गाड़ी हम लोग स्कॉर्पियो S6 Plus। अच्छा, जो 2017 मॉडल है और चला हुआ भैया 60,000 ओरिजिनल। 60,000 जी, लोग मानते हैं भैया, जब ये 1,32 आप बताए तो इसका क्यों गलत बताएंगे?
बिल्कुल एकदम 60,000 जिनमिन चला हुआ है। आप टायर का पोजीशन देख सकते हैं, जो कंपनी फिटेड आता है वही टायर लगा हुआ है। बिल्कुल आखिरी समय पे वो चल जी रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इसका रन होता है 70,000 आसपास चलता है स्कॉर्पियो का टायर, है ना। कौन से साल का आपने बताया भी? 2017 का। 2017 का भाई, S6 प्लस। हाँ जी, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, देख लीजिए भाई, है ना। गाड़ी में किसी तरह का आती नहीं, कोई टचअप नहीं, कोई टचअप नहीं। आज का वीडियो में मैंने पहले बताया कि आज का गाड़ी में कोई टचअप नहीं मिलेगा। बिल्कुल ओरिजिनल दिखाएंगे, ओरिजिनल दिखाएंगे। पीछे से भी आप देख लीजिए भाई, तो ये है स्कॉर्पियो S6 प्लस। JS10 धनबाद का नंबर है, धनबाद का नंबर है। और वादे के मुताबिक 7-सीटर देख भी लीजिए भाई। पीछे से भी हम लोग आपको स्कॉर्पियो दिखा रहे हैं, इधर से भी एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल इस साइड से भी आप देख लीजिए भाई, कहीं स्क्रेचेज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको अनटच है तो फिर आपको जाके कुछ करवाना है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, तो भैया 17 मॉडल S6 प्लस, हाँ कितने पैसे लगेंगे भाइयों के पॉकेट से? ये इसको हम दे देंगे भैया 10,97,000 में। 10,97,000 में आप बन सकते हैं इस स्कॉर्पियो के मालिक, मात्र और मात्र 60,000 या 68,000 भैया जो भी बताए हैं आपको शुरू में, उतना ही चला हुआ है। और आपको पता है भाई, मीटर के लिए आपको सोचना ही नहीं है यहाँ पे, एक्सीडेंटल के लिए भी नहीं सोचना भैया। जब ओरिजिनल बोल रहे हैं तो एक्सीडेंटल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत बढ़िया, हम एक्सीडेंटल गाड़ी डील ही नहीं करते। ठीक है, तो भैया अभी हमने व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो दिखाई है, भोकाल तो खैर ये भी बहुत ज्यादा मचाता है, बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। और आपसे पहले मेरे को सर्टिफाइड होना पड़ता है कि हम जब किसी गाड़ी को हम मतलब समझ नहीं सके, हम आपको नहीं समझा पाएंगे। वाह, इसका गारंटी। चलिए, तो आप देख रहे हैं भाई, और जो हमको जचता है बस उसी पे हम काम करते हैं, नहीं जचा हम भैया पहले बोल देते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा भैया। स्कॉर्पियो, हाँ जी, हाँ तो स्कॉर्पियो S11 ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर, ये तो दमदार है, दमदार है। अरे इसका लाजवाब है, बहुत बढ़िया। क्या डिटेल है भैया, आइए ना एक बार आगे। हाँ जी चलिए, पहले आगे से हम लोग देखते हैं, तब पीछे आएंगे भाई। पहले आप फ्रंट प्रोफाइल देखिए इस गाड़ी का, इसमें हल्का फुल्का आपको टचअप मिल सकता है। हल्का फुल्का बोलने का मतलब है कि बम्पर उम्पर इसमें टचअप होगा, बम्पर वगैरह। हाँ बम्पर होगा, ये 2018 का मॉडल है, चला हुआ 67,000, 67,000 चला जी, 67,000 चला हुआ है। W11 सॉरी S11 S11 हाँ जी। और गाड़ी का इंटीरियर आप एक बार दिखाइए आपको सब कुछ हम लोग अभी दिखा रहे हैं भाई एक एक करके, जिसमें कि इंटीरियर भी आता है। इंटीरियर का बात ही निराला है बात ही निराला है भाई, आप देख लीजिए यहाँ पे सीट वगैरह सब कुछ हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं, ताकि कुछ भी रह ना जाए। हाँ अब देखिएगा भाई, कहीं कोई स्क्रेचेज नहीं है गाड़ी में, किसी तरह का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। नहीं। और देख लीजिए धनबाद नंबर गाड़ी है, धनबाद नंबर है, महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 है। हाँ। इस साइड से भी आप देख लीजिए, इस साइड से भी इंटीरियर दिखा दीजिए, ये देखिए लगना चाहिए कि हाँ है। बिल्कुल, तो भाई कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है, क्योंकि भाई सारी गाड़ियाँ बेस्ट कंडीशन में है भैया। 19 बताया, 18 बताया आपने, 18 बताया। ठीक है, बता दीजिए S11 का कीमत। इसका पड़ेगा भैया आपको 14,95,000, 14,95,000 सब कुछ करके एकदम। चलिए, तो उसमें सब कुछ करके भाई आप S11 खरीद सकते हैं ब्लैक कलर की, जो कि भाई विद गारंटी चली हुई है 67,000 जी, ओरिजिनल। ये बहुत ज्यादा मायने रखता है भाई, कोई कितना भी कह ले 60,000 चला हुआ है, 67,000 चला हुआ है, 65,000 चला हुआ है, लेकिन जब कोई गारंटी लेता है ना मीटर का, तब लगता है कि हाँ वाकई में इतना ही चला हुआ है। S11 भी ब्लैक दिखाए हम लोग, अब S11 हम लोग व्हाइट दिखाते हैं, दोनों 2020 का, 20 का है ये जी। डिटेल बताइएगा नवीन भैया, 2020 का मॉडल है, चला हुआ 78,000 है भैया, 78,000 उससे बेसी चला हुआ। हाँ जी, जो कि ये 18 का है जी, मेरे यहाँ का वही तो नियम है कि जो जितना चला है एग्जैक्ट रहेगा, आपको पसंद आएगा तभी आप ले पाएंगे। बिल्कुल, तो भाई जो भी आपको बताया जाता है इंटीरियर के बारे में भैया थोड़ा भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए तो सारा कुछ मिलेगा आपको। S11 टॉप एंड मॉडल होता है, हाँ जी, इसमें तो कुछ अलग से लगवाना नहीं पड़ता है, हर चीज़ लग के ही आता है, हर चीज़ लग के ही आता है। भैया दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को स्कॉर्पियो S11, देख सकते हैं भाई, आपको ब्लैक ऑप्शन दिखा दिए, जमशेदपुर नंबर, ये जमशेदपुर नंबर है, व्हाइट कलर में है। गाड़ी का नंबर भी बहुत अच्छा है, 5152 नंबर है, माना जाता है 51 बढ़ते क्रम में, क्यों जी। आप देख लीजिए भाई, इस साइड से भी अगर आप देखेंगे तो स्कॉर्पियो का ये सबसे टॉप मॉडल स्कॉर्पियो S11 है, व्हाइट कलर की 2020 मॉडल जी। हाँ नवीन भैया, इसका आस्किंग इसको हम देंगे आपको 15,70,000 में भैया, 15,70,000 जी। हाँ नया तो अभी 23,500 के आसपास, इसका 23 के आसपास है, बिल्कुल 23 के आसपास में आ रहा है। 15,70,000 में आपको
दे देंगे और किलोमीटर मात्र और मात्र चली हुई 78,000 और वो भाई ओरिजिनल चली हुई है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी जल्दी गारंटी लेता नहीं है मीटर का, लेकिन यहाँ पे नवीन ने बताया जो है ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल। तो भैया स्कॉर्पियो हमने तीन तीन दिखा दिए, एक्सयूवी 500 भी दिखा दिए, अब हम लोग एक बोलेरो दिखाते हैं। चलिए तो भाई अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी हम लोग कह रहे हैं कि 2 लाख के अंदर बोलेरो दिखाएंगे, मतलब नवीन भैया एकदम दिखाएंगे, एकदम ऐसा नहीं कि बस कह दिया भाई, या फिर लोन अमाउंट हम लोग बता रहे हैं कि 2 लाख लोन अमाउंट है, ऐसा नहीं है इसमें, लेकिन लोन नहीं हो पाएगा, इस पे लोन नहीं हो पाएगा बिल्कुल, कैसी लेना पड़ेगा, या आप झारखंड से हैं या बिहार से, ठीक है इसको कैश में ही लेना हो भैया, 1,96,000 दे देंगे भाई लोग जी। बताइए भैया, ये आपका 2006 का मॉडल है। अच्छा, इसका री रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, 27 तक वैलिड है, 2027 जी हाँ, ठीक है। और गाड़ी का रनिंग है भैया 2,45,000, 2,45,000 जी हाँ। DI इंजन है, DI इंजन में सोचना नहीं रहता है कि इतना चल गया, इसको आप 5 लाख भी चलाइए ना, खर्चा नहीं मांगेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ती है इन सब गाड़ियों पे, क्यों भैया जी बिल्कुल। तो आप देख लीजिए भाई, रांची नंबर ही है, 2006 का मॉडल है, गाड़ी का बॉडी भी हर तरह से ओके है, एक बार इंटीरियर भी हम लोग दिखा देंगे, बिल्कुल आपको दिखाया जाएगा, बाकी आप देख लीजिए पहले। भाड़ा पर्पज से बहुत माना जाता है गांव देहात, बेस्ट माना जाता है, पत्ती होता है ना, सस्पेंशन नहीं होता है, तो सस्पेंशन वाले में होता है कि आप भाड़ा में रफ यूज नहीं कर सकते, इसको रफ यूज ले जाके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिए भाई, एकदम लो मेंटेनेंस गाड़ी होता है, DI सबसे लो मेंटेनेंस, एकदम लो मेंटेनेंस होता है, होप भी नहीं करता है कुछ इसमें, खाली पत्ती होता है, पत्ती पे ही सारा काम होता है भाई। और ये DI है, MHawk में थोड़ी सी मेंटेनेंस हाई होती है, लेकिन आप देख लीजिए DI टर्बो आपको दिख रहा होगा। तो भैया 2006 का है, 27 तक पेपर वैलिड है, कितने रुपए इसका लेंगे, 1,94,000। अच्छा 2,000 और कम, 1,94,000 सब कुछ करके भैया, एकदम नाम ट्रांसफर करके देंगे, नाम ट्रांसफर करके देंगे, इंश्योरेंस नहीं हुआ तो वो भी करके वो देंगे, भी करके देंगे। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं भाई बोलेरो, आपका बहुत ही कम बजट है, 2 लाख से भी कम है, नवीन भैया का नंबर दिया होगा, कॉल कर लीजिएगा, यहाँ से कोई भी अगर उठाते हैं, इस गाड़ी में लोन नहीं होगा, लोन नहीं होगा जी बिल्कुल, बाकी आप कैश खरीद सकते हैं 1,94,000 रुपए की। तो वो चीज़ हमने आपको दिखा दी है। तो तीन तीन स्कॉर्पियो, एक बोलेरो और एक XUV 500 दिखाने के बाद अब बारी आती है सफारी टाटा, जो कि भाई इंडिया की शान है। तो टाटा की सफारी स्टॉर्म, डिटेल बताइए। 2014 का मॉडल है भैया, चला हुआ 94,000 किलोमीटर है, ओरिजिनल ओरिजिनल 14 का मॉडल 94,000 चला हुआ है। प्लस पॉइंट आपको है कि चारों टायर ब्रांड न्यू लगा हुआ है, आप देख लीजिए भाई, ये जो आप टायर देख रहे हैं ना, फ्रंट टायर जी, चारों ऐसे ही मिलेंगे, क्यों नवीन भैया जी। चारों इंटीरियर की बात की तो अभी गाड़ी जस्ट आया है, इसके कारण थोड़ा सा पुराना टाइप का लग रहा है, बढ़िया से वॉशिंग क्लीनिंग जब हो जाएगा तो अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो वो सब कुछ आपको बताते जा रहे हैं, देख लीजिए भाई, पीछे से भी दिखा दीजिए, LX मॉडल है, हाँ जी सफारी स्ट्रॉम LX है, हजारीबाग का नंबर है, 94,000 ओरिजिनल चला हुआ है जी। नवीन भैया हाँ, कितने में सपना पूरा होगा, सफारी स्ट्रॉम के बहुत दीवाने हैं, 4,35,000 में दे देंगे, 4,35,000 में सफारी स्ट्रॉम चढ़िए भाई, आ जाइएगा यहाँ पे कुकर चौक ट्रू वैल्यू पे, नवीन भी आपको दे देंगे 4,35,000 में सब कुछ करके, एकदम नाम ट्रांसफर करके देंगे, इंश्योरेंस फेल रहा तो इंश्योरेंस भी करके देंगे, बहुत बढ़िया वो सब कुछ करके आपको मिलेगा। तो ये बात हो गई टाटा की सफारी स्ट्रॉम की, और जैसा वादा किया गया भैया 7-सीटर दिखाएंगे आज जी, उसमें अपने पास दिखाते हैं, क्या डिटेल है भैया, गाड़ी है BRB होंडा का, ये 7-सीटर ही आता है, आज तो वादा ही किया था भैया, एकदम वादा किए थे। और ये 2016 का मॉडल, रनिंग है 1,32,000 किलोमीटर, 1,32,000 किलोमीटर, डीजल है पेट्रोल है भैया, ये डीजल है भैया, डीजल है ठीक है, डीजल है। आप देख लीजिए भाई यहाँ पे अलॉय व्हील टायर वगैरह, टॉप एंड मॉडल गाड़ी है, पुश बटन स्टार्ट सब सारा कुछ है, पुश बटन स्टार्ट भी है जी जी। चलिए तो अभी आपको दिखा भी देंगे इंटीरियर, तो देख लीजिए भाई सारे तमाम फीचर, जो फीचर से कह सकते हैं लैस है ये गाड़ी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सीट वगैरह की कंडीशन, आप देख लीजिए भाई, और 7-सीटर है, जो रेट में देंगे ना भैया कह सकते हैं मार्केट में लोगों के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा रेट में, चलिए बहुत बढ़िया, धमाल कर देंगे इस, हाँ जी। तो आप देख लीजिए ये वी है भाई, होंडा मॉडल का BRV है जी, 7-सीटर है भैया, 7-सीटर ऐसे 16 मॉडल अगर लेने जाते हैं लोग, 5.5-6 देने पड़ते हैं जी, अर्टिगा लेने जाए या फिर कोई भी गाड़ी लेने जाए जी। अपने पास ये 7-सीटर कितने की है, हम अर्टिका का बात करते हैं, अर्टिका आपका 14 का मॉडल रहेगा ना, तो 4+ जाएगा, 4+ जाएगा जी, हम 16 का BRV का बात कर रहे हैं, हम 16 का BRV का मात्र लेंगे 3,70,000, 3,70,000 में आप खरीद सकते हैं एक 7-सीटर कार, वो भी होंडा के ब्रांड से, 16 मॉडल जी,
इससे बढ़िया रेट आपको पूरे रांची क्या बिहार में भी नहीं मिलेगा, भी नहीं मिलेगा। बिहार झारखंड भाई कहीं नहीं मिलेगा ये रेट में। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके बात कीजिएगा, आइएगा नवीन भैया से मिलिएगा और इस गाड़ी को जल्दी से लेकर जाइएगा। नंबर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। भैया एक हमने दिखा दिया, अब दूसरे BRB दिखाते हैं। दो दो मतलब दिखा रहे हैं आज के इस वीडियो में। ये मैनुअल था, वो ऑटोमेटिक। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है, बहुत बढ़िया। और ऊपर से ये जमशेदपुर नंबर। हाँ, और 2018 का मॉडल है, वो 16 का था। हाँ जी, ये 18 का है। ठीक, ये पेट्रोल है भैया, ये पेट्रोल है जी। मतलब ऑप्शन सारे हैं। जी जी, ऑप्शन मेरे पास सारा मिलेगा बिल्कुल। आपको वो आपको चॉइस करना है कि पेट्रोल लेना है या डीजल लेना है, आप अपना बजट देखिए। और मैनुअल लेना है कि ऑटोमेटिक। हाँ जी, ठीक है। तो सारे ऑप्शन नवीन भी आप लोगों के लिए रखे हुए हैं। चला हुआ बहुत ही कम है, मात्र 27,000 किलोमीटर। 27,000 ओरिजिनल, 27,000 चला हुआ और गाड़ी पूरा अनटच है भैया, पूरा अनटच है। पीछे जाने से पहले एक चीज मैं आपको दिखा के जाना चाहता हूँ। J05CD के बाद आप पढ़िए भाई, 0111 जी, VIP नंबर, एलॉय व्हील इसमें भी आपको मिलता है भाई। इसमें भी सारा कुछ आएगा भैया, सारा कुछ आ जाएगा इसमें भी, आप देख लीजिए। टॉप एंड मॉडल गाड़ी है। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भी पुश बटन आ जा रहा है भाई, बाकी सब कुछ म्यूजिक कंसोल वगैरह सब कुछ आप देख लीजिए। सीट जो है ओरिजिनल है, जो कि इसका की कंडीशन मेरे जुबानी बताने की जरूरत नहीं है। डोर पैनल पे सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। 28,000 या 27,000 आपने बताया? 27,000 भैया, 27,000 चला हुआ है। और ये ऑटोमेटिक सेगमेंट है भाई। BRB अगेन एक 7 सीटर होता है कि नहीं, अब मैनुअल नहीं, अब ऑटोमेटिक ही चला पाएंगे शहर की ट्रैफिक को देख। जी 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 बिल्कुल। तो भैया आज की हमारी आखिरी गाड़ी है, नेट टू नेट रेट क्या देंगे आप ये इसको? हम दे देंगे 8,90,000 में। 8,90,000 में 7 सीटर, 18 मॉडल, ऑटोमेटिक जी। अगर खरीदना चाहते हैं नवीन भैया से आकर आप लोग मिले, आपको जरूर से देंगे। नवीन भैया मिलने के लिए एड्रेस जानना जरूरी है। एकदम, एड्रेस बता देंगे थोड़ा? हाँ, हम लोग का एड्रेस है रांची में कुकर चौक, एक जगह है, वहाँ से जो लालपुर की ओर जाता है रोड, बस उसमें 10 दुकान आगे आना है, राइट साइड में आपको टू वैल्यू दिख जाएगी। बिल्कुल, वहाँ पे आप आइए, रहते हैं। मेरा नाम लीजिएगा, गार्ड से पूछिएगा, वो सारे हम मतलब मिलवा देंगे। जैसे ही आप आएंगे आप पूछ लीजिएगा, नवीन जी से मिलना है, वो आके आपको लेकर जाकर मिलवा देंगे। हाँ। नवीन भैया डेली आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। जी जी बिल्कुल, उसी टाइम में आप आइए, डील लॉक कीजिए और गाड़ी लेकर जाइए। तो नवीन भैया जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अच्छे से डिटेल दिया आपने। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वो भी ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपको पता है भाई कि पटना से जो रांची की दूरी है वो 300 से भी ज़्यादा किलोमीटर की है। तो वो अगर मैं तय करके आता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि उससे हमारा भी उत्साह बना रहे और मुझे ये सारे 300 किलोमीटर आने में भी अंदर से थोड़ी सी भी ऐसे खले ना कि भाई आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत हो रही है। तो आप लोग सपोर्ट बस करते रहिए। और भाई यही कहना चाहूँगा नए भाई, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियो, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जिसमें कि आपको सेकेंड हैंड कार में बेस्ट से बेस्ट रेट में दिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी पता है सबके पास पैसे उतने नहीं होते कि वो फर्स्ट हैंड कार ले सके। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।